दोस्तों Xiaomi इस वक्त अपने Mi Mix 4 को शोकेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दोस्तों ये वो डिवाइस होने वाला है जो अब आगे फ्लेक्सी डिवाइस आएंगे उनकी डिजाइन को डिसाइड करेगा। ये एक फुल स्क्रीन डिवाइस होने वाला है और इसमें जो सेल्फी कैमरा होगा वो भी डिस्प्ले के अंदर ही होने वाला है। तो दोस्तों आप इसमें कुछ भी करो, गेम्स खेलो, वीडियोज देखो, कुछ भी, आपका एक्सपीरियंस एक नंबर का होने जा रहा है, ये मैं आपको इस वक्त लिख कर दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो Mi Mix 4 होने वाला है इसकी डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लास आएगा उसकी चाइना से कुछ इमेजेज निकल कर आई है। और ये जो ग्लास है इसकी साइज 6.67 इंचेज की है, तो हमें इसकी डिस्प्ले की साइज भी लगभग इतनी देखने को मिलेगी। और इसमें एक OLED डिस्प्ले होने वाली है। और दोस्तों इस Mi Mix 4 की जो डिजाइन होगी वो तो लगभग एक बॉक्सियर सी डिजाइन ही होगी, जैसी हमें Samsung के Note 20 में देखने को मिलती है। पर हमें इसके जो कॉर्नर्स होने वाले हैं वो थोड़े कर्वी देखने को मिलेंगे। और इसके ये जो टॉप एंड बॉटम के बेजल्स हैं ये भी देखने में काफी स्लिम दिखाई दे रहे हैं। और जब इस पैनल के अंदर डिस्प्ले लग जाएगी तो ये देखने में कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। और दोस्तों Xiaomi है वो अब की बार इस Mi Mix 4 में सिर्फ एक 1080p की डिस्प्ले यूज करने वाला है। वो यहाँ पे 2K का पैनल है वो इसका यूज नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी डिस्प्ले के अंदर जो पंच होल कैमरा है उसके ऊपर जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा लाइट कैमरा सेंसर पर जाएगी और इमेज में उतनी ज्यादा क्वालिटी होगी। तो Xiaomi अगर यहाँ पे 2K का पैनल लगाता तो इस सेंसर के ऊपर जो पिक्सल्स हैं वो 1080p की डिस्प्ले के मुकाबले काफी ज्यादा आ जाते और कैमरा की क्वालिटी है वो उतनी डाउनग्रेड हो जाती। और दोस्तों हाल ही में जैसे कुछ और कंपनियों ने भी ये अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले स्मार्टफोन निकाले हैं, और Samsung की तरफ से भी जो Galaxy Z Fold 3 आने वाला है उन सब में हमें जो कैमरा है उसकी जगह एक छोटा सा काला सा धब्बा दिखाई देता है, यानी जो डिस्प्ले वहाँ पे थोड़ी डल रहती है, वैसा इस Mi Mix 4 में जरा भी नहीं होने वाला। तो Xiaomi की तरफ से ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों हमें इस Mi Mix 4 में एक 120 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी और एक 5000mAh की बैटरी और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग भी। तो दोस्तों इन सब स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक बॉम्ब पैकेज होने जा रहा है। और Xiaomi की तरफ से ऐसी तहलकेदार एक और नई न्यूज निकल के आ रही है कि Xiaomi का जो 200 वोट वाला वॉर्प चार्जर है वो उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और Xiaomi ने कहा कि आप इस 200 वोट की चार्जिंग स्पीड से अपनी बैटरी को 0 से 100% तक सिर्फ 8 मिनट में फुल कर पाओगे। और Xiaomi ने ये भी कहा कि इस चार्जिंग स्पीड के साथ भी आपकी बैटरी है वो 800 साइकल्स पूरा करने पर सिर्फ 20% तक ही डिग्रेड होगी। तो दोस्तों अगर आप इस चार्जिंग स्पीड के साथ अपने फोन को दिन में 2 बार भी चार्ज करते हो तो आपके फोन की बैटरी 1 साल में सिर्फ अपना 20% पावर लूज करने वाली है, जो इस चार्जिंग स्पीड को देखे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ।